यूके एरिया के सीसीएल अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का जीता खिताब। प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित कर किया। एनके एरिया की टीम ने रोमांचक मुकाबले में बी एंड के एरिया की टीम दो ओवर पूर्व ऑल आउट कर 40 रन से सीसीएल अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब पर जमाया कब्जा। सीसीएल अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता सीसीएल पिपरवार क्षेत्र स्थित बचरा स्वाधीनता स्वर्ण जयंती स्टेडियम में प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित कर किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता पिपरवार महाप्रबंधक संजीव कुमार और संचालन अशोक परियोजना कार्मिक प्रबंधन शिशिर गर्ग एवं धन्यवाद ज्ञापन पिपरवार कार्मिक प्रशासनिक पदाधिकारी नागेश कुमार गोपाल ने किया। इस समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल हर्षनाथ मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि सीसीएल महाप्रबंधक कल्याण रेखा पांडे उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डायरेक्टर पर्सनल हर्षनाथ मिश्रा एवं सीसीएल कल्याण महाप्रबंधक के आगमन पर आदिवासी स्वागत नृत्य कर किया गया। इसके पश्चात सीसीएल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए अधिकारियों को पुष्प देकर आयोजित समिति के अधिकारियों सहित यूनियन प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। इस समापन समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उपस्थित थी। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि सीसीएल डायरेक्टर पर्सनल हर्षनाथ मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि सीसीएल महाप्रबंधक कल्याण रेखा पांडे के द्वारा विजेता एनके एरिया और उप विजेता बी एंड के एरिया को चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी एसीसी सदस्य पीसीसी शिष्टा रैयत विस्थापित प्रतिनिधि आदि के द्वारा मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज वेस्ट स्कोरर ग्राउंड्स मैन मेडिकल टीम कमेंटेटर आदि को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस समारोह में मुख्य रूप से जीएम पर्सनल अशोक कुमार सीसीएल मैनेजर स्पोर्ट्स आदिल हुसैन पिपरवार महाप्रबंधक संजीव कुमार सहित सभी पिपरवार के वर्गीय अधिकारी परियोजना अधिकारी एवं जेएमएम रविंद्रनाथ सिंह सीसीएल सीकेएस रविंद्रनाथ चौधरी यूसीडब्ल्यूयूयू अरविंद कुमार शर्मा डीपी राय भीम सिंह यादव इस्लाम अंसारी भीम प्रसाद मेहता दिलीप गोस्वामी संजय कुमार रामू गोप के चतुर्वेदी रामतुल्ला विजेंद्र सिंह सतीश कुमार पांडे रतनलाल इकबाल हुसैन कामेश्वर राम बचरा दक्षिणी पंचायत मुखिया रीना देवी बचरा उत्तरी पंचायत मुखिया गुंजन कुमारी सहित मुख्य रूप से मौजूद थी। पिपरवार से नरेश चंद्र चौरसिया की रिपोर्ट। खेल के मैदान में आप आते हैं तो आप अपनी जो खेल रहा है वो तो खेल में डूबा ही जाता है। हम लोग भी अपनी बहुत सारी चीजों को भूल कर उस खेल में इतने मगन हो जाते हैं, कभी कभी याद नहीं रहता कि आप कहाँ हो, क्या करना है, आगे जाके फिर कितने काम में पड़ी हुई है। दरअसल खेल का उद्देश्य यही है। और क्रिकेट में जैसा आप लोगों ने देखा सिर्फ 11 खिलाड़ी ही आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अलावे कोई खिलाड़ी और उस लेवल के नहीं है, लेकिन सबकी एक जगह होती है। हर प्लेयर को चुना जाता है उसकी जगह के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से। कुछ लोग मैदान के बाहर सब्जेक्ट के रूप में भी रहते हैं और सभी का उद्देश्य मात्र एक ही होता है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सिर्फ बैटिंग करते हैं या सिर्फ बॉलिंग करते हैं और ऑलराउंडर बहुत कम होते हैं, उसके बावजूद सब लोग एक बॉल को बचाने के लिए सारे क्षेत्र रक्षक जो होते हैं वो परेशान रहते हैं किसी भी तरह से रोका जाए, अपनी टीम को जिताना है, ये होती है टीम भावना। और जो बाहर बैठे हैं चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो या समर्थक हो, वो भी पूर्ण प्रयास में रहते हैं कि अपने टीम का मनोबल कैसे ऊंचा किया जाए, उसके सपोर्ट में कैसे खड़ा रहा जाए, उसके जगह पे कहां कहां उसे क्या सलाह देनी है, क्या सुझाव देना है, ये उन लोगों को बताते रहते हैं। ये इन्वॉल्वमेंट होता है सारे ही लोगों का। खेल हमें यही सिखाता है। सीसीएल और कोल इंडिया भी एक लक्ष्य को लेकर चलती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी का रोल अलग अलग दिया हुआ है। जितने भी हमारे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जितने हितधारक हैं हमारे, चाहे वो स्थानीय लोग हो, पंचायत के लोग हों, हमारे सभी संगठन के प्रतिनिधिगण हों या आसपास के जो भी लोग हों। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।